पाशे मामला करने गए थे हमला, लेकिन शिकारी हुआ खुद शिकार, राहुल चाहर। भाई नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब तो बहुत सुनोगे। मीट राहुल चाहर। राहुल वेलकम टू माय होम बडी। बड़ा भाई ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और छोटा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट देन राहुल चाहर लेग स्पिनर तो वैसे बहुत अच्छा करते हैं, तो फिर लंबे कद का लेग स्पिनर है, ये अच्छा करेगा। कम ब्रदर, वील जस्ट चैट और मैं आज आपको थोड़ा सा मुंबई का फ्लेवर भी थोड़ा टेस्ट करवाऊंगा। एक्चुअली मुझे तो जो याद आता है ना कि आज तो तू यहाँ बैठा है, लेकिन सवाई मानसिंह स्टेडियम अपना वो पीछे नीचे कवर्स का रेस्टोरेंट, तो दीपक चाहर मैं सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे बार बार बोलता था भैया मेरा एक छोटा भाई है, वो ना 14 साल का है, वो भैया लेग स्पिन डालता है और भैया वो बैटिंग भी अच्छी करता है। वहां से यहाँ अब जब यहाँ बैठा है, मतलब मुलाकात ही नहीं हुई हमारी एक्चुअली। मैं उस टाइम पे आता था, मैं भी देखता था दूर से आप लोगों को बैठे हुए, मैं भी उस टाइम पे बहुत छोटा था। तो मुझे पहले लगता था कि अपने भाई की ना तारीफ करे जा रहा है दीपक, क्योंकि कर रहा है प्रमोट कर रहा है अपने भाई को। बट देन इंडिया भी, आईपीएल भी, चल इंडिया से शुरू करते हैं एक्चुअली, क्योंकि कितने सीरीज में इंडिया का साथ रहा, मतलब इंडिया के वो स्क्वाड का हिस्सा रहा हूँ मैं। 3 सीरीज में था। कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। अच्छा उस दिन क्या हुआ, उस दिन मुझे मतलब क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था उस मैच में, मुझे याद आ रहा है कि आप पहला ओवर शायद उतना अच्छा नहीं रहा था, अच्छा नहीं रहा, थोड़ी सी फुल टॉस भी गिर रही थी या थोड़ा सा नर्वसनेस थी, थोड़ा छोटा शॉर्ट बॉल गिर गया था, शॉर्ट बॉल, हाँ, फिर कोहली ने आके समझाया, दीपक भी पास में था, क्या ऐसा लगा मतलब यार इंडिया पहुंच गया हूँ भाई साथ में, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग है यार, यहाँ पे तो पिटाई पड़ती है बॉल डालने में। नहीं, एक होता है इंसान को, मैं मानता हूँ कितना भी एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं जब आप वहाँ पे जाते हो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर अंदर से रहता है। हाँ। क्योंकि आप बचपन से उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, फिर वो हो जाती है तो आपकी समझ नहीं आता कि मैं इस टाइम पे क्या करूँ। क्या था मतलब मुझे बता ना कि उस दिन पहला ओवर जब डालने गया, ऐसे करके बॉल डालने गया, राहुल चाहर द इंडिया प्लेयर, सामने बैटिंग कौन कर रहा था? पोलार्ड, मतलब पोलार्ड ही मिल गया सामने। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पोलार्ड मैं 2 साल से बॉल डाल रहा हूँ मुंबई इंडियंस में उसको, तो मुझे उसकी वीकनेस पता है और उसको भी पता थी मेरी, बट मैं उससे नहीं जीत पाया, वो मेरे से जीत गया। उसको पता था मेरा पहला मैच है, प्रेशर में होऊंगा, तो उसने पहले ओवर में ही थोड़ा प्रेशर बना दिया मेरे ऊपर मार के। ओके, तो जब पहले ओवर में पिटाई हुई तो हाथ पाँव थोड़े से फूले, क्या कप्तान ने बोला, क्या दीपक साथ आके कुछ बोल रहा था कि टेंशन मत ले यार, इट्स ओके, क्या हुआ उस टाइम पे, उस ओवर के बाद क्या हुआ? मैं थोड़ा मतलब हॉपलेस हो गया था कि हाँ। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो भैया ने आगे यही बोला था कि वो तेरी टीम में खेलता है, तू जानता है उसको। ओके, ये कौन से भैया हैं, दीपक भैया हैं या ये विराट भैया? दीपक भैया, ये दीपक भैया ने बोला, तू उसे जानता है, तू डर मत, तू इतने सारे मैच खेला है, तो जैसे बॉल डाला है आईपीएल में वैसे डाल। मैं हाँ भैया, चीकू भी आसपास ही था, कैसे कवर वगैरह में कहीं फील्डिंग कर रहा था विराट कोहली, तो उसने भी आके मुझे लगा कंधे पे हाथ भी रखा, तो चिंता मत कर, वो भी यही बोल रहे थे चिंता मत कर, तू अच्छी बॉल डाल रहा है नेट में, इतनी अच्छी बॉल डालता है, इतनी अच्छी घूमती है, घुमा और अच्छी बॉल डाल, टेंशन मत ले। मैच चल रहा था अभी, राहुल खेल रहा था उस मैच में, राहुल और मैं दोनों ही खेल रहे थे, तो हाँ वेस्ट इंडीज में, राहुल ने कुछ बॉल डाली तो विराट भी एकदम फील्डिंग करते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, डांस करते रहते हैं, वो देखा होगा आपने वो ऐसे करके, तो वैसे हंसी मजाक चलता रहता है, हम जैसे विकेट विकेट रहता तो ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, तो राहुल आया तो राहुल कुछ बोल रहे थे, हाथ वाथ रखे ऐसे करके, फिर बोलते उसको तुझे क्या लगता है यहाँ बहुत सीरियस कप्तान मिलेगा तुझे इंडियन टीम में? और आईपीएल में पहले आप 1 साल खेले, कम मैच खेले, लेकिन आरपीएस के लिए खेले, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, वो सिलेक्शन कैसे हुआ था वैसे? मैं एक्चुअली ट्रायल के लिए गया था, दीपक भैया की वजह से ही गया था, उन्होंने बोला था कि मेरा एक भाई है, ये प्रमोशन है भैया, मैं बता रहा हूँ नेपोटिज्म है ये, देख लो अपने भाई को प्रमोट करे जा रहे हैं, उन्होंने आपको बोला था वैसे ही फ्लेमिंग एंड ऑल को बोला था, उन्होंने मुझे बुलाया ट्रायल पे, मैंने वहाँ बॉलिंग बहुत अच्छी की, स्टार्टिंग में इतनी बॉल डाली, आधे 50% बॉल पे बैट्समैन बीट हुआ, पॉइंटर था, बॉल घूम रहा था लंबा लंबा, तो उनको पसंद आया, फिर उन्होंने ऑप्शन में लिया।
मैं बताता हूँ, मैं जब पहला मैच खेल रहा था मेरे सामने जिन बैट्समैनों से मुझे डर लगता था बचपन में वही थे, मैक्सवेल, डेविड मिलर, तो वही मेरे सामने बैटिंग करने आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं मैंने पहले मैच में क्या किया, क्या सोचा, मैंने सिर्फ बॉल फेंकी और बाहर आके सोचा था मैंने किया क्या ग्राउंड में। अच्छा, मतलब तो मैं इतना प्रेशर में था, छोटा सा बच्चा, मतलब कभी बच्चा नहीं, मतलब कभी खेला नहीं। कितने साल का था? मैं 17 साल का था उस टाइम। 17 साल का, साल भी 2017 ही था शायद। हाँ, 2017 ही था। 2017 में 17 साल का बच्चा पहला आईपीएल का मैच खेलता है, इट्स ऑल अ ब्लर, मतलब कुछ याद नहीं है कि पहली बॉल आगे गिरी थी, दूसरी शॉट गिरी थी, फिर मैंने गुगली डाली, फिर कुछ किया, कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं होता है, सिर्फ हो रहा था कि हाँ बस डालनी है डालनी है, और इसमें अच्छी मामला का विकेट भी मिला था एक। ओके, क्या बात है। चलो, मुंबई इंडियंस इतनी आराम से किसी को अमूमन लेती नहीं है देखो, और खास तौर से एक ऐसी टीम जिनके पास मतलब पैसों की कमी नहीं होती, बहुत अच्छा सिलेक्शन करते हैं और दिग्गज खिलाड़ियों के पीछे जाते हैं, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, तो वो कैसे हुआ, मतलब मुंबई इंडियंस को क्या कहानी थी? एक तो उनके जो सिलेक्शन कमेटी है जो मुंबई इंडियंस की, वो डोमेस्टिक सीजन सारा देखती है, कोई ना कोई आता रहता है देखने के लिए, तो वहाँ पे थे जब सेमीफाइनल फाइनल चल रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रायल पे भी बुलाया था, तो वहाँ की आरसीबी की जो विकेट है वो बहुत फ्लैट विकेट है, लाइक बैट्समैन को बहुत सपोर्ट करती है, तो वहाँ पर एक मैच चल रहा था प्रैक्टिस मैच, तो मैं लेट पहुंचा था, लाइक एक इनिंग हो चुका था क्योंकि मैं आरआर के ट्रायल दे रहा था उससे पहले। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल एक ही दिन में, मुंबई में, मुंबई डीवाई पाटिल में। ओके, वो पास में था 15-20 मिनट का। अच्छा। तो मैंने उनका ट्रायल दिया क्योंकि मैं पहले उनको हाँ बोल चुका था, तो सुबह मैंने उनका ट्रायल दिया, मैंने उनको फोन किया कि मैं आ सकता हूँ, बोलते हैं एक इनिंग होगी आना तो जल्दी आओ बॉल डाल लेना। मैंने ओके, फिर मैं गया तो उन्होंने स्कोर किया था 220, मतलब हमारी टीम ने, और जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने स्कोर किया 210 कुछ, उसमें से मैंने 4 ओवर डाले थे और 15-16 रन के 3-4 विकेट लिए थे। Okay. मतलब एक दिन में 2 IPL टीम्स के ट्रायल आपने दिए मुंबई के अंदर, और उन दोनों ने ही मेरे लिए वो बैट लगाई थी और वो आपस में उनके बैटिंग वॉर भी रहा, और इसके चक्कर में पैसे भी अच्छे मिल गए एंड में जाके, चलो अंत भला तो सब भला। पहला मैच कहाँ था? वानखेड़े। पहला मैच वानखेड़े में था। किसके सामने? मैं जो खेला था वो चेन्नई के अगेंस्ट था पहला, बट पहला हाँ जो तुम खेले थे। हाँ, मैं चेन्नई के सामने, चेन्नई के सामने मुकाबला खेले थे। कहाँ पे? चेन्नई में? नहीं नहीं, वानखेड़े में। वानखेड़े में, वानखेड़े में चेन्नई के सामने, तो सामने से धोनी वोनी सबने आना था। हाँ, तो बट इतना कुछ हो चुका था, लास्ट सीजन में खेला नहीं था, तो वो डर सब निकल चुका था कि मैं इतनी बॉल डाल चुका हूँ, पोलार्ड, रोहित भैया, इन सबको, तो इस साल कोई डर नहीं था, और मैं पूरे सीजन में 100 विकेट लेके आया था, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सब चीज मिलाई जाए तो मेरी ऑलमोस्ट 100 विकेट हो गई थी, हो चुकी थी, तो वो सब रिदम बहुत अच्छा था, डर बिल्कुल नहीं था, उससे पहले साल सिर्फ प्रैक्टिस की थी। एक्चुअली रियली सॉरी, पहले पूछना चाहिए था, कोई घर आता है यार, मतलब घर आया लड़का, मैंने ना पानी पूछा है, ना कॉफी पूछी है, ना मैंने कुछ खाने के लिए पूछा, भैया कुछ खिला दो यार, लड़का अपना है यार राजस्थानी, दाल बाटी चूरमा नहीं चाहिए, लेकिन दाल बाटी चूरमा नहीं, मैं थोड़ा सा ना ऑथेंटिक मुंबई का सामान, यानी कि वड़ा पाव, सेव पूरी, भेलपूरी, साथ में कॉफी, चलेगी? चल राहुल भाई, देख ये है अपना वड़ा पाव, मुंबई, अब तो तू आता रहता है वैसे, लेकिन टाइम हो गया खाए हुए, बहुत टाइम हो गया खा ले, कोई मतलब तो यूरो टेस्ट हो गया तेरा ऑलरेडी, और फैट फैट परसेंटेज भी चेक कर ली होगी अब तक, तो अब तो तू खा ले एक बार, ये अच्छा है, और ये वैसे मैंने सेव पूरी भी रखी है और कॉफी भी है। अब मैं तेरे सवाल एक्चुअली जो पूछना चाह रहा था ना, वो ये था कि एक तो मुझे वो इंसिडेंट याद आता है कि बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की टीम अनाउंस हुई, किसके साथ मैच था? न्यूजीलैंड के साथ मैच था, न्यूजीलैंड है ना, उसमें दीपक चाहर का नाम आया पहले टीम में, तो घर में पार्टी हुई होगी कि दीपक का नाम आ गया, ग्रुप में सब मैसेज कर रहे थे कि उस टाइम दीपक भैया का टाइम ऐसा नहीं था, बहुत खराब चल रहा था, इंजरी एंड रणजी ट्रॉफी के इतने मैच नहीं खेले थे, सब बोल रहे थे दीपक इज बैक, दीपक इज बैक, और फिर एक दिन के बाद पता चला कि दीपक इज नॉट बैक, इट्स एक्चुअली राहुल। हाँ, फिर एक बार, हाँ एक दिन बाद पता लगा, तो फिर घर में क्या माहौल था, क्योंकि एक ही तो घर में रहते हो यार, तो फिर मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप हो गए, किसी ने कहा नहीं राहुल वेल डन यार, कांग्रेचुलेशंस, कोई बात नहीं, फिर वो दुख इस बात का ज्यादा हुआ था कि भैया का नहीं हुआ। तो मेरे को ये बता कि क्रिकेट जैसे खेलना शुरू किया, खाता हूँ पहले वैसे, तो किस लिए शुरू किया था? इसलिए कि भाई खेल रहा है, ताया जी कोच हैं, माहौल वैसा बना हुआ है, तो खेल लेता हूँ। हाँ, ये माहौल था एक्चुअली, मेरे घर के सामने ही नेट्स लगे हुए थे, तो मैं सिर्फ देखता था, बहुत छोटा था, 6-7 साल का था, मैं देखता रहता था, फिर मैं धीरे धीरे जाने लगा, खेलने लगा, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था दीपक भैया की वजह से, बट बाद में मुझे खुद को इंटरेस्ट आया, तो मैं ऐसी बॉल डाल रहा था, एक दिन ऐसे बॉल घुमा के ट्राई किया, तो बॉल टर्न हुई ठीक, घुमा बॉल, तो भैया ने देखा, वो भैया को लगा कि ये लेग स्पिन में टैलेंट है इसमें, तो तू लेग स्पिनर बन, हाँ लेग स्पिनर बन, और मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी, बहुत स्लो था, तो उनको लगा कि स्पिन में कर सकता। घर में कंपटीशन होता था कि भाई अरे ये देखो बड़े भाई को देखो तुम,
ये तुम क्या करो राहुल, ना तुम कुछ खाते हो ना तुम भागते हो, कुछ नहीं करते, बड़े भाई को देखो, ये बार बार कंपैरिजन होता था। हमेशा फिटनेस को लेके हुआ है, वो अभी भी चलता है बचपन से लेके अभी तक, अपने भाई को देख जिम कितनी करता है, फिटनेस कितनी करता है, तो हमेशा से है, हमेशा से है। शेन वॉन बनना चाहते थे जी, मैं बचपन में उन्हीं को देखता था, लेकिन उनके तरीके गेंदबाजी आप करते नहीं हो, आप जो करते हो आपको इन्फ्लुएंस, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इमरान ताहिर ने बहुत इन्फ्लुएंस किया आपको। हाँ, मैं जब, जैसे मैंने बताया पुणे की टीम में जब मैं था तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और जो भी मैं पूछता था कभी भी हमेशा बताते थे, तो हमेशा हेल्प किया। इवन उसके बाद मैं अंडर 19 के टूर पे गया था टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड, तो मैं पहली बार इंग्लैंड जा रहा था, मुझे कंडीशन का नहीं पता था कि इतनी ठंड में बॉल कैसे डालते हैं, कैसी ग्रिप होगी, तो हाथों से फिसल रही थी, तो मैं, मुझे पता था कि वो काउंटी इंग्लैंड से बहुत खेलते हैं, उनको इंग्लैंड की क्रिकेट का बहुत आइडिया है, तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है तो मैं क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे आइडिया दिए थे कि हैंड वार्मर्स रख अपनी पॉकेट में, बॉल पे मिट्टी लगा के बॉल डाल, तो वो हमेशा हेल्प करते थे इन चीज़ों में, और उससे हेल्प भी होती है। इमरान ताहिर विकेट लेने में है माहिर। ऐसा करते हैं ख़त्म करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी बैटिंग मैं करूँगा, थोड़ी सी बॉलिंग तो करियो, इसमें चैलेंज यह है कि तूने मुझे आउट नहीं करना है। क्यों नहीं, नहीं मतलब अच्छा कर लियो फिर यार, तो यार पहले छोटा सा बच्चा था यार, आई मीन अच्छा ये मैं तेरी पिटाई भी नहीं करूंगा, चिंता मत कर। Then it's नहीं मेरे को लगा था अभी बोलेगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, कोशिश कर लेना मारने की, पर नहीं खाओ, फटाफट से खा ले फिर खेलने चलेंगे। ऐसे लेग स्पिनर से डरना तो नहीं चाहिए ज्यादा, पर आजकल के लेग स्पिनर ना तेज डालते हैं यार, और बाकी और कुछ हो या ना हो इज्जत का फालूदा तो हो ही जाता है। आउट का तो पता नहीं, मारने तो नहीं दूंगा, मैंने सुन लिया वो कह रहा है मैं मारने नहीं दूंगा, कह रहा मैं आउट कर दूंगा, देखते हैं। आ जा भाई। हाँ, छह बॉले ठीक, यानी कि सुपर ओवर, यानी कि मैं दो बार आउट हो सकता हूँ ऑब्वियसली। हाँ। कितने रन? आठ दस ही कर रहा है यार, बीस दस नहीं कर रहा। ओके वाइड बॉल हुई है, अंदर से गया है। पांच बॉल दस रन। यार कम ऑन धोनी, ओए यार ये गुंडी थी पता है, एक रन, तीन, दो बॉले आठ रन, दो बॉले आठ रन, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। How was that? एक और आउट हो सकता हूँ, चार है ये हो गया, अच्छा ये तो छह हो गया भाई, बट फिर भी जीता मैं। ओए होए एंडर यार, एक बार फिर मुझे अपनी लैक ऑफ हिटिंग एबिलिटीज का एहसास हुआ। नहीं वो लास्ट वाला शॉट था, फिर ये मजे ले रहा था, देखा मजे नहीं ले रहा मैं, सच्ची बात है, अच्छा वेल डन। सो राहुल आई होप कि ये जो मतलब पहले मैं आउट नहीं हुआ और फिर मैंने वो अच्छा शॉट मारा, आप डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं नहीं अच्छा नहीं, मैं थोड़ा डिमोरलाइज हुआ, मैं अब और प्रैक्टिस करूंगा, और विश यू ऑल द बेस्ट, होपफुली ये IPL आपके लिए बहुत सारी विकेट्स लेकर आए, और वापस इंडिया में जो आना है ना वो आप जल्दी से पहुंचो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वेल डन।